हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपको सिखाने वाले हैं कि आप एमएस एक्सेल की सीट्स में अगर आपको इस तरह का पासवर्ड लगाना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे हम इस सीट्स पे आते हैं, तो इस सीट्स पर अगर आप देखेंगे सबसे पहले हमें पासवर्ड बताना है, उसके बाद ही यहाँ कहीं पर हम क्लिक कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। जैसे ही पासवर्ड हम यहाँ पर दे देते हैं 1 2 एंटर करते हैं, तो हम इस सीट्स पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको इस तरह का पासवर्ड लगाना है तो आप कैसे लगाएँ, जैसे कि हम यहाँ पर आ जाते हैं सीट नंबर 3 पर। यहाँ पर एक कोड हमने लिख के रखा है, ये कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। यहाँ से इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आना है और यहाँ पर सीट नंबर 3 पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पर व्यू कोड का ऑप्शन देगा, यहाँ पर जाना है। मान लीजिए यहाँ पर ये विंडो नहीं आ रही है, ये भी यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आपको कहाँ पर जाना है, इंसर्ट, यहाँ पर मॉड्यूल्स पर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो यहाँ से आ जाएगी। अब इसके बाद हमें सीट नंबर 3 पर डबल क्लिक करना है, तो आप यहाँ से देखें जनरल, जनरल के बाद यहाँ पर वर्कशीट ऑप्शंस पे जाना है। वर्कशीट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको एक्टिवेट। उसके बाद जो कोड हमने वहाँ से कॉपी किया था, इसको पूरा हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको इस विंडो को यहाँ से कट कर देना है, इसको यहाँ से बंद कर देना है। अब आप देखें हम सीट नंबर 1 पर हैं, जैसे हम सीट नंबर 3 पर आते हैं तो सबसे पहला काम हमको यहाँ पर पासवर्ड बताना है। जैसे 1 2 हमने पासवर्ड दिया था, उसके बाद ही हम सीट में यहाँ पर टाइप या कुछ लिख पाएंगे। जैसे फिर से हम बाहर क्लिक करते हैं और फिर से हम इस वाली सीट पे आते हैं, तो पहला काम पासवर्ड, विदाउट पासवर्ड आप यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपनी सीट में पासवर्ड देना चाहते हैं तो आज का वीडियो कम्प्लीट जरूर देखिएगा, जिससे आपको समझ में आए कि हाँ कहाँ पर जाके कोड लिखना है, कैसे टाइप कर पाए। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।